नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। 140 करोड़ का देश, 140 करोड़ के देश में 11 हीरो और इन 11 लोगों ने इतिहास रच दिया। सोचिए कंपटीशन कितना तगड़ा होगा, कितना टफ होगा। हर गली में लोग भारत में क्रिकेट खेलते हैं, करोड़ों लोग सचिन बनना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही चुनिंदा लोग हैं वो लकी हैं, वो मेहनती हैं कि जो इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। जहां आज ये 11 लोग खड़े हैं, जो हर वक्त और हर क्षण इस वक्त जिन्हें देश सलाम कर रहा है। किसी को देश हिटमैन कहता है, कोई किंग कोहली के नाम से जाना जाता है, कोई क्रिकेट का स्काई है। इस टीम में बुम बुम बुमराह भी हैं, तो सबका दिल जीतने वाले हार्दिक पांड्या भी हैं। लेकिन ये इज्जत, ये शोहरत और ये मुकाम इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, तब कहीं देश को हीरो मिलता है, देश उन्हें अपना हीरो बुलाते हैं। आइए तस्वीर आपको दिखा दें, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। 29 जून 2024, वो तारीख जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में, गोल्डन लेटर्स में अंकित हो गया है। जी हाँ, ये दिन अब कोई नहीं भूल सकता। ये वो 11 खिलाड़ी हैं, ये वो 11 हीरो हैं जिन्होंने कल इतिहास रचा। कल जो मैच हुआ वो शायद ही मतलब ऐसा मैच जो आखिरी बॉल तक रोमांच को बढ़ा दे। कल जो मैच हुआ वो शायद कमजोर दिल वालों के लिए मैच था ही नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता था इस मैच में, बाजी कोई भी जीत सकता था, लेकिन मैच भारत के लिए पलट ही गया। एक वक्त ऐसा आया जब लगा ये मैच तो हाथ से निकल गया। ऐसा लगने लगा कि टीम इंडिया शायद ये मैच हार जाएगी, लेकिन टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए इन 11 हीरोज ने देश की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। कप्तान रोहित शर्मा की बात होगी, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की बात होगी, किंग कोहली, विराट के शानदार विराट 70 रनों की बात होगी, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, स्काई का वो कैच जिसे देखकर देखने वाले दंग रह गए, क्रिकेटर्स दंग रह गए, क्रिकेट के फैन दंग रह गए। ऐसा शानदार कैच सूर्य कुमार यादव ने जिसने मैच का रुख पलटा। अक्षर पटेल जिनके 47 रन की पारी विराट कोहली के साथ मिलकर खेली गई, साझेदारी ने ये बता दिया कि भारत के हौसले 3 विकेट गिरने के बाद भी पस्त नहीं हुए। बात होगी रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी जिसने क्विंटन डिकॉक का विकेट झटक लिया, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। जी हाँ, ये वो 11 खिलाड़ी हैं। आज राजधर्म में इन्हीं 11 खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी। कोई एक दिन में हीरो नहीं बन जाता, हीरो बनने के पीछे सालों की मेहनत, अथक प्रयास होता है। सबसे पहले बात टीम इंडिया की बैकबोन यानी कि हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली की। रोहित और विराट की ये जोड़ी जिसे सोशल मीडिया पर रो और को के नाम से पुकारा जा रहा है, रोको की ये जोड़ी। विराट ने फाइनल में जीत दिलाई, रोहित ने अपने बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। रोहित ने सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में, जरा याद करिए वो पारी जब उन्होंने 21 बॉल पर 92 रन ताबड़तोड़ पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के सफर पर फुल स्टॉप लगा दिया। वहीं सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल पिच पर 57 रन बनाकर टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। और फिर फाइनल में कोहली का बल्ला चला, अक्षर पटेल के साथ ऐसी साझेदारी हुई, 70 रन विराट कोहली के, जिसने भारत को सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचा दिया, एक कॉम्पिटिटिव स्कोर पर पहुंचा दिया। फाइनल से पहले 7 मैचों में कोहली बहुत संघर्ष कर रहे थे, सिर्फ 75 रन ही जोड़ पाए थे अपने किटी में। वहीं फाइनल में उन्होंने मुश्किल वक्त में 76 रन जड़कर टीम को जीत का टिकट थमा दिया। जी हाँ, ये वो दो चेहरे हैं जो इस वक्त ट्रॉफी हाथ में आपको उठाए भी दिख रहे हैं। ये वो खुशी है जो इस वक्त पूरा देश इन 11 खिलाड़ियों की वजह से महसूस कर पा रहा है। एक एक चेहरे पर आज विस्तार से बात होगी और सबसे पहले हिटमैन रोहित शर्मा की बात होगी जो टीम इंडिया के बैकबोन। विराट और रोहित दोनों ने ही T20 वर्ल्ड कप से संन्यास का ऐलान कर दिया है, ऐसे में इस फॉर्मेट में उनकी जगह कौन भरेगा? क्योंकि विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी मैदान के अंदर और मैदान के बाहर कम ही देखने को मिलते हैं। सर, इस बात को मैं यहीं पर रोक के पहले इस तस्वीर पर जाती हूँ। आप देखिए विराट
और रोहित के चेहरे पर ये मुस्कान, दोनों के कांधों पर लहराता हुआ हमारा तिरंगा झंडा और हाथों में पकड़ी हुई T20 वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी और गले में पड़ा हुआ ये सुनहरा मेडल, ये भारत के सुनहरे इतिहास यानी कि कल जो इतिहास रचा गया वो सुनहरे इतिहास की गाथा सदियों तक गाता रहेगा। ये वो दो खिलाड़ी हैं जो अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, रोहित शर्मा जो अपने काम कंपोज बिहेवियर के लिए लेकिन धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए, तो वहीं विराट कोहली जैसा उनका बल्ला बोलता है वैसे ही उनका एग्रेशन भी बोलता है। ये दोनों मुस्कुराते हुए चेहरे एक साथ संन्यास ले रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे दौर देखे, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव उन्होंने फेस किए जो बहुत कम खिलाड़ी फेस करते हैं। बातों को आगे बढ़ाते हुए, खबर को आगे बढ़ाते हुए, ये दो चेहरे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव फेस किए लेकिन अब वो एक ऐसे मुकाम पर आ गए जहां पर वो विश्व विजेता बने, लीडर बने। सबसे पहले बात शर्मा जी के बेटे की, मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला ये लड़का कैसे टीम इंडिया का हिटमैन बन गया, कैसे मुंबई की बोरीवली की गलियों की मिट्टी में धूल उड़ाता क्रिकेट खेलता हुआ ये लड़का आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हीरो बन गया, पूरी कहानी आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखती हूँ। कल जीत के बाद रोहित शर्मा ने वो किया जिसे देखकर हर एक हिंदुस्तानी का दिल खुश हो गया। भारत की झोली में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी डालने के फौरन बाद रोहित ने जो पहला काम किया उसे पता चल गया कि उनके संस्कार कैसे हैं, वो बचपन उनका कैसा रहा। जीत के बाद रोहित शर्मा बारबाडोस की पिच की मिट्टी को खाते हुए नजर आए। बच्चे मिट्टी खाते हैं तो माँ बाप उन्हें टोकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोहित का मिट्टी को चबाना, मिट्टी को चख लेना उस गर्व का एहसास कराता है कि बारबाडोस की धरती पर भी भारत का तिरंगा रोहित शर्मा ने लहरा दिया है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, रोहित ने कैसे जीत के बाद देश की आन बान और शान हमारे तिरंगे को बारबाडोस के मैदान में गाड़ा। जी हाँ, वो तिरंगा, वो लहराता हुआ तिरंगा जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल था, ये हर भारतीय के लिए उनकी आंखों में आंसू ला देने वाला और खुशी के आंसू ला देने वाला पल था। आज दुनिया यूं ही नहीं रोहित को हीरो कह रही है, आज देश यूं ही नहीं रोहित शर्मा पर नाज कर रहा है, फक्र कर रहा है। रोहित ने ये मुकाम पाने के लिए जीतोड़ मेहनत की है। रोहित शर्मा जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तब उनके साथ टैलेंट शब्द हमेशा से जुड़ता रहा, साथ ही एक इमेज भी ये थी कि वो मुंबई के संपन्न परिवार से आते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बोरीवली की गलियों में क्रिकेट खेलने वाले देश के इस हीरो को कई संघर्षों से गुजरना पड़ा है। कुछ बचपन की तस्वीरें भी उनके सामने। रोहित एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस का घराना रहा हो, बहुत पैसे वाले परिवार के वो बेटे हों, वो शर्मा जी के बेटे हैं। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट स्टोर हाउस में बतौर केयरटेकर काम करते थे। पिता की कम आमदनी होने की वजह से रोहित की परवरिश उनके दादा दादी ने बोरीवली में की। रोहित अपने माता पिता से मिलने सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही जाया करते थे, ऐसा था रोहित शर्मा का बचपन। कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो रोहित के क्रिकेटिंग करियर के सफर को कहती हैं। रोहित का क्रिकेटिंग करियर साल 1999 में शुरू हुआ। साल 1999 को उन्होंने पहली बार क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया। उस वक्त रोहित शर्मा के कोच ने उन्हें स्कूल बदलने की सलाह दे दी ताकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने क्रिकेट पर फोकस कर पाए। जाहिर है उनके अंदर क्रिकेट का टैलेंट ज्यादा दिखाई दे रहा था लेकिन उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में रोहित के कोच दिनेश लाड ने उन्हें स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दिलवाई। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि रोहित ने अपने करियर की शुरुआत बतौर ऑफ स्पिनर की थी और वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर पाते थे, लेकिन कोच ने उनके बैटिंग के टैलेंट को बहुत जल्द पहचान लिया। इसके बाद नेट में बैटिंग प्रैक्टिस का दौर शुरू हुआ और देखते ही देखते गर्ल्स फील्ड टूर्नामेंट सामने आ गया। रोहित शर्मा को पहली बार ओपनिंग करने का मौका मिला और ओपनिंग भी क्या शानदार, बतौर ओपनर उन्होंने 140 रन बना डाले। वो दिन है और आज का दिन है, रोहित एक बेमिसाल ओपनर कहे जाते हैं। आज दुनिया रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जानती है।
हिटमैन रोहित शर्मा को जिसने क्रिकेट की ABCD सिखाए, वो गुरु दिनेश लाड आज हमारे साथ है। लाड साहब, बड़ा दिन है न सिर्फ आपके लिए, करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए। इस जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया क्या है मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या बात करूँगा। लेकिन आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं बन गया ऐसे लग रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से रोहित ने परफॉर्म किया, जिस बच्चे को मैंने 12 साल के जब भी देखा था, आज उसने उसके हाथ में वर्ल्ड कप देख रहा हूँ तो बहुत ही खुशी हुई मुझे। बिल्कुल, जिस तरह की उनकी जर्नी रही है, 12 साल में एक गरीब बैकग्राउंड का बच्चा आपके पास आता जो ऑफ स्पिन करना चाहता, लेकिन उनके रियल टैलेंट को आपने पहचाना, बॉलिंग से बैटिंग में शिफ्ट किया, 12 साल से लेके आज का ये जो दिन है, इस पूरी जर्नी के बारे में बताइए। जब मैंने उसको एज एन ऑफ स्पिनर करके स्कूल में लाया था, उसके बाद मैंने उसको फिर बैटिंग करते हुए देखा तो बैटिंग में प्रमोट करना चालू किया। देखिए, टैलेंट उसके पास था, ये टैलेंट था, इसके लिए आज रोहित शर्मा आपको दिखा रहे थे। उसने अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया और बहुत खुशी होती है कि जब मुझे पता है कि 2011 के वर्ल्ड कप में वो टीम में नहीं था, तो मैंने उसको समझाया था कि देख रोहित, तू अगर क्रिकेट को टाइम नहीं देगा तो तुझे सब भूल जाएंगे। तो उसने प्रॉमिस किया था, सर अभी आज के बाद आपको कई शिकायत नहीं आएगी। और उसने जो टाइम दिया, तो 2011 के बाद का जो उसका रेशियो बढ़ते गया, वो आज तक बढ़ते गया। और आज उस कल उसके हाथ में जब मैंने वर्ल्ड कप का ट्रॉफी देखा तो खुशी से समा नहीं पाया मेरी, बहुत ही खुश था मैं कल। रोहित का बैकग्राउंड और फाइनेंशियल कंडीशन भले ही उतनी स्ट्रांग ना हो, भले ही उनके पास बैट खरीदने के लिए पैसा जुटाना भी मुश्किल रहा हो, लेकिन रोहित में एक चीज हमेशा से थी, वो था जज्बा। और अपने इसी जज्बे के साथ रोहित शर्मा आगे बढ़ते गए, स्कूल टूर्नामेंट्स में लगातार सेंचुरी चढ़ते गए, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 और फिर अंडर 19। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने खेला और अपने खेल का लोहा भी मनवाया। और फिर एक वो दिन भी आया जब रोहित ने टीम इंडिया की जर्सी पहनी। साल 2007 में रोहित शर्मा 20 साल के थे और उन्हें आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में चुना गया था। आयरलैंड के खिलाफ ही उनका डेब्यू हुआ, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला। और फिर T20 वर्ल्ड कप आया, धोनी उस वक्त नए नए कैप्टन बने ही थे, धोनी की टीम में रोहित को भी शामिल किया गया। हालांकि शुरुआती मैच में उन्हें मौका नहीं मिला और रोहित का मन उदास भी हुआ, लेकिन इसके बाद जैसे ही रोहित को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने का मौका मिला, उन्होंने अपना टैलेंट दिखा दिया। इस मैच में रोहित ने 50 चढ़ी। इस अर्धशतक के साथ रोहित की बड़ी स्टेज पर दमदार एंट्री हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने साल 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप खेला, भारत इसमें जीता और तब से रोहित ने लगातार 9 वर्ल्ड कप खेले हैं। 47 मुकाबलों में उन्होंने 34.85 की एवरेज से, 143.04 की स्ट्राइक रेट से 1220 रन बनाए हैं, इसमें 12 फिफ्टीज भी शामिल हैं। बात करें रोहित शर्मा के ओवरऑल इंटरनेशनल करियर की, तो वो भी आपके सामने। रोहित शर्मा भारत की तरफ से अब तक कुल 488 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। रोहित ने 59 टेस्ट मैचेस में 57.05 की औसत से कुल 4137 रन जोड़े हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 17 अर्धशतक भी निकले हैं। रोहित ने 262 वनडे मैचों में 91.97 की स्ट्राइक रेट से 31 शतक और 55 फिफ्टीज, ये देखिए रिकॉर्ड आपके सामने हम अगला रख दें, 55 अर्धशतक उन्होंने जड़े हैं और कुल 10,707 रन उन्होंने जोड़े हैं। T20 फॉर्मेट में मौजूदा भारतीय कप्तान ने 159 मैच खेले हैं और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए हैं। ये रोहित शर्मा द हिटमैन का इंटरनेशनल करियर हमने आपके सामने रखा। रोहित की कप्तानी में पिछले 8 महीने में टीम इंडिया 2 ICC विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इस दौरान टीम इंडिया 19 में से 18 मैच जीती है, यानी कि न सिर्फ उनके बल्लेबाजी की आप तारीफ करें, बल्कि जिस तरीके की कप्तानी उन्होंने की, ये वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोराल बूस्ट करने के टीम के खिलाड़ियों के लिए वहां पर पहुंचे थे। बहुत ही गमगीन एक माहौल सब बन गया था, क्योंकि भारत की टीम ये मैच हार गई थी, 2023 वनडे विश्व कप का फाइनल मुकाबला, और फाइनल ऐसा था जिसकी हार की कसर रोहित के दिल में बहुत दिनों तक रही होगी, हमारे भी दिल में रही थी।
रोहित को उसकी उदासी थी और उसकी उदासी को उनके परिवार ने भी महसूस किया, क्योंकि कोशिश चाहे कोई भी कितना भी कर ले कि उस गम को कम किया जा सके, लेकिन जीत ही किसी गम पर मरहम की तरह काम करती है और वही जीत कल हमें मिली है। रोहित को लोगों ने पिछली बार की हार भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी और रोहित ने ऐसा कमाल दिखाया, वो ऐसा आगे बढ़े कि दुनिया देखती रह गई। रोहित ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सिर पर वर्ल्ड चैंपियन का ताज सजा दिया और इसी के साथ उन्होंने अपने T20 के करियर से रिटायरमेंट भी ले लिया। वैसे अगर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जीत के नायक की बात की जाए तो फिर फाइनल के मैन ऑफ द मैच विराट कोहली का जिक्र तो करना ही होगा, और वो भी तब जब विराट कोहली ने भी ऐलान कर दिया है कि वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, क्योंकि कल अगर विराट का बल्ला नहीं चलता तो रोहित शर्मा के साथ साथ देश के करोड़ों लोगों को, क्रिकेट प्रेमियों के अरमानों पर भी पानी फिर जाता। कल के मैच में एक वक्त ऐसा आया था जब टीम लड़खड़ा गई थी और उसके बाद सबकी उम्मीदें किंग कोहली पर टिक गई थी, लेकिन विराट इस पूरे टूर्नामेंट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, वो लगातार स्ट्रगल कर पा रहे थे। ऐसे में क्या फाइनल में भी उनका बल्ला चलेगा या नहीं चलेगा, ये बड़े बड़े कमेंटेटर्स भी चर्चा कर रहे थे, बड़े बड़े क्रिकेट जर्नलिस्ट भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन विराट ने इस नाजुक मौके पर ऐसा खेला कि साउथ अफ्रीका के साथ ही खेला हो गया। विराट ने महज 59 गेंदों पर 76 रन ठोक दिए, इसमें 6 चौके और 2 छक्के भी शामिल रहे। विराट का स्ट्राइक रेट 128.81 रहा, और जब हम इसकी बात करते हैं तो बीच में इसी मैच के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब दर्शक ही चर्चा करने लगे कि विराट कोहली राहुल द्रविड़ के स्टाइल में एक एक रन वाले खेल क्यों खेल रहे हैं, क्यों इतनी अशांत खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला तो उन्होंने शानदार चौके भी जड़े, उन्होंने छक्के भी जड़े। टीम इंडिया ने विराट कोहली के ही बदौलत साउथ अफ्रीका को एक बड़ा टारगेट दिया और बाकी का काम बॉलिंग ने कर दिया, यानी कि बुमराह ने कर दिया और शदीप ने कर दिया, हार्दिक ने कर दिया। लेकिन जिस स्कोर की हम बात कर रहे हैं उस स्कोर तक भारत को पहुंचाने में विराट इनिंग यानी कोहली की इनिंग का ही योगदान रहा। विराट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे क्रिकेट में 50 शतक जमाकर सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके हैं। अपने मजबूत इरादों के दम पर विराट क्रिकेट की दुनिया में वो पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं जिसकी कई क्रिकेटर्स केवल कल्पना करते हैं, लेकिन कोहली को ये सब इतनी आसानी से नहीं मिला। विराट को भी इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष करने वाले को ही जीत मिलती है। कोहली ने अपने करियर के कई उतार चढ़ावों का ये पड़ाव देखा। विराट दिल्ली में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, आप कहने को कह सकते हैं दिल्ली तो देश की राजधानी है, ये तो मेट्रो सिटी है। वो किसी बहुत संपन्न परिवार से लेकर नहीं आते, बल्कि दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से वो ताल्लुक रखते हैं। कोहली दिल्ली के उत्तम नगर में पले बढ़े, इन्हीं गलियों में घूमे और इसी शहर से उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत महज 9 साल की उम्र में की। विराट ने 9 साल की उम्र में पहली बार बल्ला थामा और अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा की देखरेख में क्रिकेट की बारीकियों को सीखा। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हौसला कभी नहीं हारे। विराट महज 17 साल के थे, साल 2006 में उनके पिता प्रेम कोहली का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। उस वक्त भी विराट कोहली मैदान पर थे, वो खेल रहे थे। एक इंटरव्यू में जब उनके साथी ये जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि विराट कोहली उस वक्त बहुत शांत नजर आ रहे थे, मैंने पूछा कि क्यों इतने शांत नजर आ रहे हो, उनका जवाब था कि पिता नहीं रहे। सोचिए जरा, उस मनोस्थिति में भी विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट का मनोबल चट्टान सा विराट है। 17 साल के थे विराट कोहली। रात को 2 बजे इनके फादर की डेथ हुई। 54 साल की उम्र थी, बहुत ज्यादा कोई उम्र नहीं थी, और तब ये पारी खेल रहे थे दिल्ली की तरह रणजी ट्रॉफी में। 40 रन ये बना चुके थे और अगले दिन जो विराट ने बताया कि सुबह जाके इन्होंने अपनी पारी को कंटिन्यू किया। जी तो मैं गया, मैं अकेला ही गया ग्राउंड पे, गाड़ी में खुद ही चलाई मैं। ईशान शर्मा जो हमारे टीममेट थे उस टाइम, मैं उनको पिक करता हुआ जाता था रास्ते से, तो रोज़ मतलब मेरा नॉर्मल बिहेवियर बहुत मजाकिया रहता था। तो उस दिन मैंने ऑब्वियसली मैं शॉक में था, मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया, तो
काफ़ी शौक हुए वो, तो उन्हें पूरे टीम को उन्होंने बताया सुबह, तो उन्होंने भी मुझे सबने बोला कि तेरा डिसीजन है, अगर तुझे खेलना है तो ठीक है, नहीं तो तू घर भी जा सकता है। लेकिन अंदर से मुझे था कि नहीं, मुझे खेलना है, अगर मैं एक मैच खेल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मुझे खेलना चाहिए जाके। तो मैं खेला उस दिन सुबह, मैं 90 रन बना के आउट हुआ और टीम को हारने से बचाया। तो उस दिन मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला लाइफ में कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ डेडिकेटेड हैं तो उस पर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। ये शायद रेयर एग्जांपल होगा विराट क्रिकेट के इतिहास में कि एक 17 साल का बच्चा जिसके फादर की डेथ हो जाए वो फिर खेले और वो भी 90 रन बनाए और उसके बाद वहाँ से वो अंत्येष्टि में फ्यूनरल के लिए जाए। हाँ, मैच ख़त्म होने के बाद मैं फ्यूनरल के लिए गया था और मतलब मुझे पूरे दिन समझ नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। सिर्फ मैं उसी टाइम मैं सेंस में था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, उसके अलावा मुझे कोई होश नहीं थी कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ आसपास। तो जैसे मैंने कहा, काफ़ी टफ टाइम था मेरे लिए और काफ़ी उस चीज़ से मुझे आज भी कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैं सोचता हूँ कि अगर कोई सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ तो उस टाइम को याद करता हूँ कि जो टफेस्ट सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, मैंने उसको कैसे हैंडल किया, तो उससे काफ़ी मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने अपनी ज़िंदगी की हैंडल कर ली। मुझे लगता है कि आप देश के लिए जब भी मुश्किल सिचुएशन आएगी तो विराट कोहली उसको हेल्प कर सकेगा। होपफुली मैं आई विश कि मैं कर सकूँ। और देखिए, वही तो मुश्किल पल कल के मैच में भी थे जब विराट कोहली पर बहुत बड़ा दारोमदार था एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का, और तब विराट कोहली ने उस मुश्किल घड़ी में शानदार बैटिंग की। विराट कोहली का शानदार क्रिकेट करियर रहा है, उनके सिर्फ T20 इंटरनेशनल करियर को ही अगर आप देखें तो वो भी विराट नजर आता है। ये देखिए, ये है विराट का करियर। भारत के लिए 125 T20 मैच विराट कोहली ने खेले जिसमें 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4188 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली ने रनों का ये विराट पहाड़ 48.69 की औसत के साथ खड़ा किया। इस दौरान विराट ने एक शतक 38 अर्धशतक बनाए जो कि उनके क्रिकेटिंग करियर का शानदार, अगर कहें इतिहास लिखा जा चुका है, क्योंकि इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से वो संन्यास ले चुके हैं जिसका ऐलान उन्होंने कल कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली का बल्ला जमकर बरसा। कोहली ने अपने बल्ले से क्रिकेट फैंस का जमकर दिल जीता। बात कोहली के T20 वर्ल्ड कप करियर की करें तो T20 विश्व कप में विराट भारत के लिए 35 मैचों में 58.72 की औसत से 1292 रन बना चुके हैं। इसमें उनका स्ट्राइक रेट 128.81 का रहा, वहीं उनके बल्ले से 15 अर्धशतक भी आए हैं। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में खुद सचिन तेंदुलकर बोल चुके हैं कि अगर कोई सचिन तेंदुलकर यानी उनका रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो विराट हैं। और विराट ने सचिन के इस विश्वास को गलत भी नहीं होने दिया। पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान अपना 50वां शतक लगाकर विराट ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। विराट, मुझे वो समारोह याद है मुकेश अंबानी ने जो सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज होने के सम्मान में किया था, और वहाँ सचिन से पूछा सलमान खान ने कि कौन ऐसा प्लेयर है जो आपका रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो सचिन ने कहा कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है। तो आपको ये तो नहीं लगता कि वाकई में आप तोड़ देंगे सचिन के? वो एक जो मिशन इम्पॉसिबल कहते हैं वो उस तरह का है, लाइक 100 सेंचुरी बनाना आज तक किसी ने नहीं किया और एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ क्योंकि इससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। कोशिश करता हूँ कि जितना परफॉर्म कर सकूँ करूँ, और जब करियर ख़त्म होगा तो जितने बन जाएंगे बन जाएंगे। टीम इंडिया की जीत में सभी का योगदान है, लेकिन जिस खिलाड़ी के बगैर 2007 के बाद पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा नहीं हो सकता था, उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से एक समय में करीब करीब मैच जीत चुके दक्षिण अफ्रीका का ख्वाब तोड़ दिया। बुमराह ने कैसे 160 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा किया? गुजरात का ये शर्मीला लड़का कैसे भारतीयों के लिए बड़ा हीरो बन गया? उनका यहां तक का सफर कितना मुश्किल रहा,
अब बात जसप्रीत बुमराह की, लेकिन उससे पहले बुमराह ने कल कैसे दक्षिण अफ्रीका का पहली बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर किया, तस्वीरें और जानकारी उससे जुड़ी हुई। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में दक्षिण अफ्रीकी ओपनर हेनरिक को बोल्ड करके भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद जब ऐसा लग रहा था कि क्लासिन की आंधी में कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जीत का सपना चूर होने वाला है, तो तब रोहित शर्मा ने बुमराह को 16वें ओवर में गेंद थमा दी और यहीं से मैच का पासा पलट गया। बुमराह ने उस ओवर में रनों का फ्लो रोक दिया और अगले ओवर में यॉनसन को बोल्ड कर दिया। उन्होंने पूरे मैच में 4 ओवर में 18 रन देते हुए 2 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जसप्रीत बुमराह चुने गए। जसप्रीत बुमराह के नाम से बल्लेबाज खौफ खाते हैं, लेकिन बुमराह का यहां तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में अपना नाम शुमार कराने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। बुमराह जब 7 साल के थे तभी उनके पिता जसबीर सिंह की हेपेटाइटिस बी के कारण मौत हो गई। जसप्रीत की माँ दलजीत बुमराह, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दलजीत बुमराह ने छोटे से जसप्रीत और उनकी बहन जूहिका की परवरिश की। आज भले ही दौलत बुमराह के कदम चूम रही हो, लेकिन एक समय वो भी था जब उनके पास केवल एक शर्ट पैंट और एक जोड़ी जूते हुआ करते थे। अगले दिन मैच खेलने के लिए उन्हें रोज कपड़े धोने होते थे। जसप्रीत बुमराह की माँ टीचर थी, उन्होंने बुमराह के करियर के लिए अपनी सारी खुशियाँ सारी कुर्बान कर दी। और यही वजह है कि जब बुमराह ने अपनी माँ को पहली बार आईपीएल में चुने जाने की खबर दी तो वो रो पड़ी थी। ये देखिए, मुश्किलों से मंजिल तक, बेमिसाल बुमराह का क्रिकेट करियर हमने आपको बताया, वो और कल के मैच के दौरान किस तरीके से उन्होंने पासा पलटा वो भी हमने आपको बताया। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे, ऐसा कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वाकई में जसप्रीत बुमराह की सफलता के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन उनकी माँ का अथक प्रयास और परिश्रम भी रहा जिन्होंने बुमराह की इतनी शानदार परवरिश की। बुमराह ने क्रिकेट को करियर के रूप में खेलना 14 साल की उम्र में शुरू कर दिया। आज उनकी पहचान अपने अनोखे एक्शन और मारक यॉर्कर के कारण है, लेकिन एक समय इसी एक्शन के कारण उन्हें परेशानी भी हुई। शुरू में मौके नहीं मिले, लेकिन एक बार जब उन्हें मौका मिला तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बुमराह ने गुजरात के लिए अपने पहले ही अंडर 19 मैच में सौराष्ट्र के खिलाफ 7 विकेट लिए। इसी मैच में प्रदर्शन की बदौलत उन्हें सैयद मुश्ताक अली T20 के लिए चुना गया, जहां से मुंबई इंडियंस के जॉन राइट की उन पर नजर पड़ी। 2013 में बुमराह आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा बन गए और उसके बाद उन्होंने जो कारनामा किया वो इतिहास बन चुका है। बुमराह ने आईपीएल के अपने पहले ही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे विराट कोहली का ही विकेट लिया था। जसप्रीत बुमराह अपने फैंस के बीच बुम बुम बुमराह के नाम से मशहूर है। आज निर्विवाद रूप से वो क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर कहे जाते हैं। उनके यॉर्कर के आगे दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज पानी भरते नजर आते हैं। बुमराह ने कई मौकों पर अपने यॉर्कर की वजह से मैच का रुख पलटा है और भारत को कामयाबी दिलाई है। डेथ ओवर्स यानी कि आखिरी ओवर में बुमराह की कसी हुई गेंदबाजी हाल में भारत को मिली हुई सफलताओं की एक बड़ी वजह है। बुमराह का न केवल एक्शन अनकन्वेंशनल है, उनका रनअप भी तेज है और तेज गेंदबाज के लिहाज से छोटा है, लेकिन इसी रनअप से वो इतनी तेज गेंद डालते हैं कि बल्लेबाजों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। बुमराह जब पहली बार उभरे थे तो कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा था कि वो टेस्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया। बुमराह ने अभी तक 36 टेस्ट मैच खेले हैं जहां उन्होंने कुल 159 विकेट हासिल किए। टेस्ट में उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 6 विकेट का रहा है। टेस्ट की तरह वनडे में भी बुमराह का शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने 89 मैचेस में 149 विकेट हासिल किए। वनडे में उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस 19 रन देकर 6 विकेट झटकना है। ये बुमराह का ही कमाल है कि वो T20 में भी टेस्ट की तरह इकोनॉमिकल साबित होते हैं। वहीं अब तक 70 T20 मैचेस में 89 विकेट ले चुके हैं। बुमराह ने मुंबई इंडियंस की तरफ से 133 आईपीएल मैचेस खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 165 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया है।
ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बुमराह ने अपना पहला रणजी मैच खेलने से पहले आईपीएल में डेब्यू कर लिया था। उन्होंने 4 अप्रैल 2013 को मुंबई की तरफ से पहला आईपीएल मैच खेला और उसके बाद कामयाबी बुमराह के कदम चूमती चली गई और उनके लिए कामयाबी के हर दिन नए दरवाजे खुलते चले गए। बुमराह ने 23 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला वनडे मैच खेला। उस मैच में उन्होंने 2 अहम विकेट चटकाकर सभी को प्रभावित कर दिया था। उन्होंने 3 दिन के बाद 26 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में एंट्री के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें मौका मिला 2018 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे में मोहम्मद शमी की चोट के बाद। उसके बाद तो बुमराह ने अपने बूते भारत को कई सारे टेस्ट मैच भी जिताए। तो तमाम सवाल जो खड़े हुए कि वो टेस्ट मटेरियल नहीं है, उन्होंने अपनी बॉलिंग से इन तमाम सवालों का जवाब दे दिया। अब बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने वाकई में लोगों का दिल जीत लिया। कल हार्दिक पांड्या ने अगर आखिरी ओवर में कमाल नहीं दिखाया होता तो भारत का वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार और लंबा खिंच सकता था, लेकिन कल हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में उस प्रेशर को झेलते हुए भी कमाल किया। इसके साथ ही कुछ समय पहले तक खेल प्रेमियों की नजरों में जो हार्दिक पांड्या विलन बने हुए थे, वो देखते ही देखते लोगों के हीरो बन गए। हार्दिक पांड्या जब आखिरी ओवर करने के लिए आए तो दक्षिण अफ्रीका को 16 रन बनाने थे। पिच पर मिलर मौजूद थे, इसलिए ये रन बनाना असंभव भी नहीं था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों में 8 रन दिए, महज 8 रन। ये T20 फॉर्मेट है। भारत वर्ल्ड कप फाइनल 7 रन से जीत गया और इस दौरान उन्होंने 2 विकेट झटके। हार्दिक ने पूरे मैच के दौरान 3 ओवर की गेंदबाजी की, 20 रन दिए और 3 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या के लिए वाकई में ये मैच शानदार रहा। हार्दिक कल की जीत के हीरो थे, लेकिन उसके पहले के मैचेस में भी उन्होंने कभी बल्ले से तो कभी गेंदबाजी से भारत की जीत में योगदान दिया। आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में हार्दिक ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट लेकर हार्दिक पांड्या ने भारत को यादगार जीत दिलाई। इसी तरह अमेरिका के खिलाफ मैच में उन्होंने 2 विकेट झटके। अफगानिस्तान के खिलाफ 32 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने नाबाद 50 बनाई, 2 विकेट भी झटके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 23 रनों की शानदार पारी खेली। खेल के मैदान में एक पल में कैसे कोई खिलाड़ी जीरो से हीरो बन सकता है, हार्दिक पांड्या इसकी जीती जागती मिसाल है। वर्ल्ड कप शुरू होने तक हार्दिक पांड्या खेल प्रेमियों की नजर में विलन से कम नहीं थे। रोहित शर्मा को हटाकर आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जब कैप्टनसी उन्हें दी गई तो इसके लिए फैंस ने उन्हें माफ नहीं किया। हार्दिक पांड्या के कई मैचेस के दौरान उनके खिलाफ हूटिंग हुई, इसका असर हार्दिक पांड्या के खेल पर भी दिखाई देने लगा। माफ कीजिएगा, इसका असर हार्दिक पांड्या के खेल पर दिखाई नहीं दिया। पर्सनल अगर इक्वेशन की भी बात करें तो बहुत सारी खबरें उनके खिलाफ सोशल मीडिया में भी लगातार छाई रही, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर मानसिक रूप से वो कितने मजबूत हैं, लगातार 6 महीनों की चुप्पी और उसके बाद नतीजा ये कि हार्दिक पांड्या ने जीत अर्जित की। आपको याद दिला दूं, मुंबई इंडियंस आईपीएल की अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंचा था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप शुरू होते ही वो बदले बदले नजर आ गए। कल टीम इंडिया की ट्रॉफी जीतने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे। रोहित शर्मा ने खुशी से हार्दिक पांड्या को गले लगाया, उनके चेहरे को चूमा। अब बात आएगी जीत के एक और हीरो सूर्य कुमार यादव की, जिन्हें प्यार से क्रिकेट प्रेमी स्काई बुलाते हैं। यादव ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत लेट एंट्री की हो, लेकिन जब से उन्होंने खेलना शुरू किया हर मैच में कुछ ऐसा कर देते हैं कि विरोधी टीम हैरान रह जाती है। टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस समय सूर्य कुमार यादव की हो रही है। स्काई ने आखिरी ओवर में जो कमाल किया उससे मैच का पासा पलट गया, तस्वीर बदल गई। प्रेशर के बीच सूर्या ने खुद को कूल रखते हुए जिस शानदार तरीके से डेविड मिलर का कैच पकड़ा, वो कैच ना हो मानो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ही थी। लास्ट ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई। पांड्या के सामने व्हाइट बॉल, क्रिकेट के वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर डेविड मिलर थे। पांड्या ने पहली गेंद फुल टॉस दी और डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार शॉट खेला। जिसने भी टीवी पर देखा उसका दिल थम सा गया।
लेकिन वहां सूर्य कुमार यादव तैनात थे। दौड़कर गेंद की तरफ वो बढ़े, गेंद को लपकने के बाद बाउंड्री लाइन पार भी कर गए, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने गेंद को हवा में उछाल दिया। वो भी हवा में थी, गेंद भी हवा में थी, और फिर वो वापस बाउंड्री के इस पार आए और गेंद को लपका, उन्होंने कैच आउट कर दिया। और इसी तरह से भारत और वर्ल्ड कप के बीच खड़े हुए मिलर को पवेलियन भेज दिया। सूर्य कुमार यादव का ये कैच ना सिर्फ स्टेडियम में बैठे हुए फैंस के लिए दिल थामने वाला पल था, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कनें भी इसी कैच से जुड़ी हुई थी। अब बात एक और हीरो की, ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत जिनका भीषण सड़क हादसे के बाद क्रिकेट के मैदान पर उतरना और फिर वर्ल्ड कप जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऋषभ पंत 3 दिसंबर 2022 को भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए थे। इस हादसे में ऋषभ पंत की जान तो बाल बाल बच गई थी, लेकिन उनका खेल के मैदान पर लौटना मुश्किल लग रहा था। ऋषभ ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया और 15 महीने के बाद क्रिकेट के मैदान पर लौट आए। पहले तो उन्होंने इस साल IPL में वापसी की और इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में बैट से और अपनी कीपिंग से बड़ा योगदान निभाया। ऋषभ पंत 3 दिसंबर 2022 को दिल्ली से रुड़की स्थित अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी सुबह सुबह उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह सड़क हादसा इतना भयानक था कि उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। रुड़की के मोहम्मदपुर जाट के पास उनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से जाकर टकराई और फिर उछलती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। हादसे के वक्त ऋषभ कार में अकेले थे। वहां पर मौजूद लोगों ने ऋषभ को गाड़ी से बाहर निकाला। उनके सिर पर, उनके पांव पर गंभीर चोट थी। ऋषभ को पहले देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां पर उनका ऑपरेशन हुआ और फिर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उनका लंबा इलाज चला। लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आपने खुद ही ब्रेक लगाने की कोशिश की। 30 दिसंबर की रात पूरा देश ने देखी, SUV भी थी, स्पीड भी थी, ऋषभ को नींद भी आ रही थी, पूरा सामान तैयार कर लिया था आपने? सर जनरली क्या है सर, बहुत सालों से मैं मतलब इसी टाइम पे जाता हूँ घर, ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, मतलब 7-8 साल हो गए सर सेम काम करते हुए। एंड लोगों को तो नहीं पता होता है जनरली, बट मेरी मम्मी को पता था कि ये इसी टाइम पे घर आता है जनरली। बट सर आँख वगैरह तो नहीं, मेरे को लगा कि कुछ आ गया है सामने से, ऐसा कुछ लगा मेरे को, तो उसको सेव करने के चक्कर में थोड़ी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। बट सर लगा नहीं था बच जाऊँगा, ये तो था कि मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में ना, जनरली लड़ाई करने का शौक है, स्टर्बन हूँ बहुत, बट फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया था कि यार अब बच नहीं सकते, तो बट वो वाला एक मोमेंट था। बट सर जो होना था वो ऊपर से लिख कर आया था सर, ऐसा लगता है उससे पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि पास्ट में ड्वेल करके लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो मोमेंट ऐसा था जब हमने उस गाड़ी की तस्वीरें देखी, क्रश्ड गाड़ी की, फिर ये बताया कि वो 200 मीटर तक घिसटती चली गई वो गाड़ी, फिर जिसने बचाया उसने कहा कि आग भी लग गई थी, तो सब कुछ हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान आपके साथ था, कहते हैं ना जाकुर आके साइयां मार सके ना कोई। बिल्कुल सर। और ये जो करोड़ों लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, मुझे लगता है उनकी प्रार्थना भी इसमें ज़रूर काम आई। नहीं सर, डेफिनेटली मेरे को तो अंदर से ये फील हुआ सर जब एक्चुअली समझ में आया एक्सीडेंट हो रहा था कि किसी ने प्यार से उठा के बाहर मेरे को निकाल दिया है, बिकॉज इंजरी बहुत ज़्यादा हो रखी थी उस समय। बट सर कितना वर्स्ट हो सकता था सर, ऐसे इमेजिन भी नहीं करा, बिकॉज जब डॉक्टर्स ने बताया कि यार एम्प्यूटेशन भी हो सकता था आपके पैर का, तो सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम डर लगा इतना ज़्यादा कि यार क्या क्या हो सकता था। बट उस मोमेंट के बाद थे सर काफ़ी चीज़ें नेगेटिव माइंड से निकाल के कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच सकते हैं, बिकॉज सर नहीं तो लाइफ में इतनी नेगेटिव चीज़ें वैसी ही होती हैं, तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे एक सिंपल थॉट प्रोसेस पे। और हर दिन काम करता गया और आज सर यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ मैं।
रोहित की फिना के एक और चेहरे, एक और किरदार, एक और खिलाड़ी जिनकी वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका रही, वो है 25 साल के नौजवान खिलाड़ी अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने अपने टैलेंट के दम पर बेहद कम वक्त में टीम इंडिया में अपनी खास जगह कर ली है। वर्ल्ड कप में अर्शदीप की धारदार गेंदबाजी के आगे विरोधी पस्त नजर आए। T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और हर मैच की शुरुआत में विकेट निकाले, जिससे टीम इंडिया को एडवांटेज भी मिला। अर्शदीप सिंह ने वर्ल्ड कप में 8 मैचेस के लिए 17 विकेट लिए और T20 जैसे फॉर्मेट में 7.16 की शानदार इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह का वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अमेरिका की टीम के खिलाफ रहा। इस मैच में अर्शदीप ने महज 9 रन देकर 4 विकेट लिए।